Hello friends, today we will learn how to create a topology in Cisco Packet Tracer. इसके लिए हम पहले Cisco Packet Tracer ओपन करेंगे. Cisco Packet Tracer ओपन करके हम अपने वर्कस्पेस में तीन पीसी, तीन स्विच और तीन राउटर्स ड्रैग करेंगे. We select it from the lower window and then paste it on the upper window. अलग अलग सेलेक्ट करने के बजाय अगर हम कंट्रोल दबाकर सेलेक्ट करते हैं तो हमें बस इन्हें अपने विंडोज पे पेस्ट करना होगा. फॉर दैट लेट अस गेट टू द स्विचेस. कंट्रोल दबाकर किसी एक स्विच को सेलेक्ट करें, फिर उन्हें जहां प्लेस करना है बस वहां वर्क स्पेस विंडो में क्लिक करते जाएं. Now, it's time for the PCs. इन PCs को workspace window पे ले आए. Now we have to set the connections. Connection set करने के लिए connections menu में जाए और copper straight through cables select करें. PC1 के फास्ट इथरनेट पोर्ट से स्विच 0 के फास्ट इथरनेट 0/1 को कनेक्ट करें. ऐसा करने के बाद ये लिंक ग्रीन होना स्टार्ट होगा. आफ्टर 50 सेकेंड्स दिस लिंक विल टर्न अप. अब बचे हुए किसी भी पोर्ट से फास्ट इथरनेट 0/0 को कनेक्ट करें. अप्लाई द सेम थिंग फॉर लैंड 2 एज वेल. फास्ट इथरनेट पोर्ट को स्विच के फास्ट इथरनेट 0/1 से कनेक्ट करें और बचे हुए किसी भी पोर्ट को राउटर के फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट करें. अब हमें अपने राउटर्स पे WIC इंस्टॉल करना होगा. ये WIC कार्ड्स WAN इंटरफेस कार्ड्स कहलाते हैं. इन कार्ड्स के थ्रू हम WAN कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं. फॉर दिस सबसे पहले आप अपने राउटर 0 पे जाएं, इसे ऑफ करें. इस विंडो पे आप ये सारे मॉड्यूल्स देख सकते हैं. इन मॉड्यूल्स को हम अपने राउटर में इंस्टॉल कर सकते हैं. ड्रैग WIC2T इनटू दिस ब्लैक स्पेस हियर और इसे ऑन करें. अभी अभी आपने अपने इस राउटर में WIC2T इंस्टॉल किया. आफ्टर दैट गो टू राउटर 1, इसे ऑफ करें. WIC2T को इस खाली स्पेस में ड्रैग करें. 2T का मतलब ये हमें दो सीरियल पोर्ट्स प्रोवाइड करता है, यानी हम इस राउटर से दो WAN लिंक्स बना सकते हैं. सेम गोज फॉर राउटर 2 एज वेल. अब हमें इन राउटर्स को कनेक्ट करना है. इन राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए हम DTE केबल यूज करेंगे. DTE केबल को सेलेक्ट करें और राउटर 0 के सीरियल 0/0/0 से राउटर 1 के सीरियल 0/0/0 कनेक्ट करें. सिमिलरली राउटर DTE केबल फिर से चूज करें और राउटर 1 के सीरियल 0/0/1 से राउटर 2 के सीरियल 0/0/1 को सेलेक्ट करें. यू सी that these links are not up yet. इसका मतलब ये है कि हमें इन्हें मैनुअली अप करना पड़ता है. We will do that later. Now,
हमें अपने पीसीज की आईपी एड्रेस सेट करनी है। इसके लिए PC0 को सेलेक्ट करें, इसके डेस्कटॉप टैब पे जाकर आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें, मेक श्योर कि स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्टेड है। आईपी एड्रेस पे जाकर इसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करें। सबनेट मास्क खुद ही अवेलेबल हो जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे सेट करें। इसके बाद PC1 पे जाएं, इसके डेस्कटॉप टैब पे जाकर आईपी कॉन्फ़िगरेशन खोलें, आईपी एड्रेस पे जाकर इसका आईपी एड्रेस सेट करें। मेक श्योर कि ये आईपी सेट अलग है। हियर वी आर यूजिंग अ क्लास ए एड्रेस, सो द फर्स्ट अपडेट इज डिफरेंट। डिफॉल्ट गेटवे सेट करें। सिमिलरली PC2 पे जाकर डेस्कटॉप पे जाएं और आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर इसका आईपी सेट करें। यू सी वी आर यूजिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ आईपी एड्रेस इन क्लास ए। अब हमें राउटर के इंटरफेसेस की आईपी एड्रेस सेट करनी होगी। इसके लिए राउटर 0 पे जाएं, इसका CLI मोड खोलें, कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग में नो टाइप करें, रिटर्न दबाकर राउटर इस तरह का एक कर्सर हमें प्रोवाइड किया जाता है। नाउ वी नो दैट वी हैव 3 मोड्स इन iOS। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द यूजर एग्जीक्यूटिव, सेकेंड इज प्रिविलेज एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड इज ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। अभी हम यूजर मोड पे हैं। ई एनेबल कमांड दबाकर आप प्रिविलेज मोड पे जा सकते हैं। नाउ टू गो टू द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, टाइप कॉन्फ़िग एंड चूज द टर्मिनल एंड नाउ यू कैन सेट द आईपी एड्रेस विद द इंट कमांड। फॉर दैट यूज द इंटरफेस कमांड। नाउ वी सी दैट वी आर यूजिंग द इंट शॉर्टकट। आप टैब दबाकर इस कमांड को पूरा कर सकते हैं। सिस्को पैकेट ट्रेसर डज दैट फॉर यू ऑटोमेटिकली। नाउ इंटरफेस FA0x0 खोले। यहां जाके इसका आईपी एड्रेस सेट करें। इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस नेटवर्क 10.0.0.0 के आईपी एड्रेस के डिफॉल्ट गेटवे के बराबर होगा। दिस इज बिकॉज दिस इंटरफेस इज द डिफॉल्ट गेटवे फॉर नेटवर्क 10.0.0.0। इसका सबनेट मास्क सेट करें और एंटर प्रेस करें। नाउ इसे अप करने के लिए नो शट डाउन यूज करें। इसका शॉर्टकट है नो शट। वी सी दैट इट इज अप। अब हमें इंटरफेस S0x0x0 की आईपी एड्रेस सेट करनी होगी। इसके लिए हम इंट कमांड यूज करेंगे। नाउ इसका आईपी एड्रेस सेट करें। ध्यान रखें कि ये वाइड एरिया नेटवर्क एक अलग नेटवर्क है, दैट इज वाई हमें एक अलग सेट आईपी एड्रेस यूज करना होगा। We are giving it a class A IP address. इसे नो शट करें।
ध्यान रखें कि वाइड एरिया नेटवर्क में एक लिंक चेंज स्टेट टू डाउन होता है और दूसरा लिंक चेंज स्टेट टू अप।